गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक शनिवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में संपन्न हुई। बैठक में ऐसे प्रश्न पत्र जिसमें सामूहिक नकल के आरोप सिद्ध पाया गया है, उससे संबंधित परीक्षा फल संबंधित छात्रों के आरोप सिद्ध प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक के 30% अंकों का परीक्षा फल घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बैठक में सामूहिक नकल आरोप सिद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए आगामी वर्ष 2019 में परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सामूहिक नकल के आरोप में सिद्ध महाविद्यालय के परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त केंद्राध्यक्ष को आगामी परीक्षा में केंद्राध्यक्ष न बनाए जाने का निर्णय लिया गया। आपको बताते चलें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय वर्ष 2018 की वार्षिक में 54 महाविद्यालय नकल के लिए आरोपित पाए गए थे, जिसमें 20 महाविद्यालयों पर नकल का आरोप सिद्ध पाया गया। वहीं 41 परीक्षा केंद्रों पर नकल का आरोप लगा था, जिसमें जांच के बाद 15 केंद्राध्यक्ष पर नकल का आरोप सिद्ध पाया गया। इसी प्रकार 155 आरोपित प्रश्न पत्रों में जाँच के बाद 23 प्रश्न पत्र आरोपित पाए गए।